हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो भाई डीके में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में और कुछ तीन चार प्रत्यय को जोड़ना हम कैसे सीखते हैं किसी भी शब्द में। तो आइए सीखते हैं कुछ खास प्रत्ययों को किसी शब्द में जोड़ने से नया शब्द कैसे बनता है और उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, आज हम बात करेंगे इक प्रत्यय की, अय प्रत्यय की, य प्रत्यय की और अ प्रत्यय की। प्रत्यय को किसी भी शब्द में जोड़ने का नियम और ये हमारा फॉर्मूला। यह आ और आ होगा तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ई ई ए आय, ये हमारा आय में परिवर्तन होगा। इसका उ ओ औ, इसका औ में परिवर्तन होगा। यदि री होगी तो आर में परिवर्तन हो जाएगा, और आर में यहाँ देखिए र जो है हलंत वाला है। अब ये फार्मूला कहाँ काम करेगा, देखिए मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन इसके अनुसार होगा, ये है वो फार्मूला। मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन जो है ये होगा। यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर ए या आ हो तो उसका आ हो जाएगा, यानी वृद्धि होगी। यदि ई ई ए आई होगा, इन चारों में से कोई हो मूल शब्द का प्रथम स्वर तो उसका आय हो जाएगा। यदि उ और उ हो, ओ और आव हो, किसी शब्द का प्रथम स्वर यानी मूल शब्द का प्रथम स्वर तो आव में परिवर्तित हो जाएगा। यदि री है उसका मूल शब्द का प्रथम स्वर, यदि री है तो आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हम थोड़ा एक दो उदाहरण लेते हैं एक प्रत्यय को जोड़ने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं समाज। अगर हम समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ें तो हमारा क्या शब्द बनेगा, देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समाज जो हमारा मूल शब्द है क्योंकि हमने इसमें एक प्रत्यय जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें समाज का वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा और तब जाकर हमें पता लगेगा कि मूल शब्द का प्रथम स्वर है क्या, तभी तो हम परिवर्तन करेंगे इसके अनुसार, इस टेबल के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, वरना हम कर ही नहीं पाएंगे। तो तब तक जब तक हम किसी भी मूल शब्द का वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी शब्द में प्रत्यय जोड़ने में हमें दिक्कत। सबसे पहले हम करते हैं इसका वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए अ यहाँ अ हमारा जो है स्वर है, म हमारा आ गया व्यंजन और इसमें आ गया हमारा आ स्वर, फिर आ गया हमारा ज और इसमें आ गया हमारा अ स्वर। इसको अच्छी प्रकार लिख लेता हूं मैं, अ, और ये हमारा होगा एक प्रत्यय। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने जब समाज का मूल शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो हमें निकल कर आ गया कि हमारा प्रथम स्वर जो है वो अ है। क्या है प्रथम स्वर, अ, और अ का परिवर्तन किसमें होगा, अब इस टेम से देखिए आप, यदि प्रथम स्वर हमारा अ है या आ है तो आ हो जाएगा। ठीक है, तो ये काहे बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा आ में। ठीक, हमने फिर कहा तथा अंतिम स्वर के स्थान पर प्रत्यय आ जाएगा, यानी हमारा जो अंतिम स्वर है ये हमारा अंतिम स्वर है, इसके स्थान पर कटकर क्या आ जाएगा, इक प्रत्यय इसके स्थान पर कटकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इक प्रत्यय। ठीक है, तो अब सबको नीचे उतार लेते हैं, यहाँ स्व आ गया हलंत वाला, यहाँ म आ गया हलंत वाला, और आ हमारा पहले से ही है और ज हमारा यहाँ पहले से ही है। ठीक है, आप देख रहे हैं इन शब्द को, इन सबको अगर हम जोड़ कर लिखें तो हमारा क्या शब्द बनेगा, ये आ जो है स्व को पूरा करेगा, ये आ जो है म को पूरा करेगा, ई जो है ज को पूरा करेगी, और क हमारा जोगात और आ जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा सा मा चिक।
ये हमारा शब्द निकल कर आया सामाजिक। इससे पता लगता है कि किसी भी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से या समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से सामाजिक शब्द बनकर आया है। अमूमन हम क्या करते हैं, जब कोई प्रत्यय पढ़ाता है तो समाज में लिखकर ऐसे समाज में हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन गया सामाजिक। लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि यहां तो कोई मात्र नहीं थी, यहां तो केवल अ था, यहाँ आ कैसे आ गया, यहाँ जा में कोई मात्र नहीं थी, वो छोटी की मात्रा कहाँ से आ गई। तो ये सब चीजें हमें भ्रमित करती हैं, इसलिए मैंने आपको खोलकर समझाया कि समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से सामाजिक शब्द कैसे बना। यदि हमारा मूल शब्द का प्रथम स्वर, हम प्रथम स्वर की बात कर रहे हैं, केवल प्रथम स्वर इनके अनुसार परिवर्तित होगा। यदि ये होगा तो ये आ जाएगा, यदि ई होगा ये होगा तो आएगा आ जाएगा, यदि उ बड़ा उ छोटा उ और ओ होगा तो औ आ जाएगा, यदि री होगा तो आर आ जाएगा। ठीक है, अगला शब्द हम ओ ले लेते हैं कोई। ठीक है, एक शब्द हम ओ ले लेते हैं, ऐसा ही शब्द जिसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं अभी, बहुत से शब्द है हमारे। एक हमारा शब्द है विज्ञान। विज्ञान में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा, बनेगा हमारा वैज्ञानिक। क्या बनेगा, वैज्ञानिक। आप देखिए, यहां तो छोटी की मात्रा थी और यहां आ गई आई की मात्रा, ये कैसे आ गई। तो इसका एक ही तरीका है निकालने का कि हम पहले विज्ञान शब्द का जो है वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो करिए इसका वर्ण विच्छेद, व और यहाँ आ गए हमारे ई, ये हो गया हमारा अज्ञा, और ये हो गया हमारा आ, और ये हो गया हमारा न, और ये हो गया हमारा अ, और ये हम जोड़ रहे हैं इसमें एक प्रत्यय। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारा प्रथम स्वर क्या है इसका, ये है, और ये किस में परिवर्तित होगा, आय में, ये हो जाएगा हमारा परिवर्तित आय में। ठीक है, और ये हमारा अंतिम स्वर जो है, हमने कहा अंतिम स्वर के स्थान पर प्रत्यय आ जाएगा, यानी यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, इक। इक प्रत्यय यहाँ जोगा तो आ जाएगा, और बाकी को हम जोगाते उतार लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, जोगाते उतार लेंगे। ये हमारा ना जुका तो रहेगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, ताकि जो है हमारी लाइन बन जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस स्वर ने इस वो को पूरा किया, इस आ ने इस अज्ञे को पूरा किया, इस ई ने इस न को पूरा किया, तो क्या शब्द बनेगा, देखिए ये आय है, यानी यहाँ दो मात्रा आ जाएगी। अज्ञा जुका तो रहेगा, आपकी मात्रा पूरा कर दिया, ना पे छोटी की मात्रा, तो हमारा शब्द बन गया वैज्ञानिक। इस प्रकार हमारा एक प्रत्यय जुड़ने से जो है वैज्ञानिक शब्द बना है। ये ऐसे ही नहीं बना, इसका तरीका होता है। ठीक है, अब हम कोई एक और शब्द ले लेते हैं जिसमें हमें उ वाला शब्द भी हमारा कोई आ जाए। एक शब्द है हमारा भूगोल। अगर हम भूगोल में प्रत्यय जोड़े तो क्या शब्द बनकर आएगा, देखते हैं। बिल्कुल इससे पता लग जाएगा हमें कि एक प्रत्यय जोड़ने से जो है हमारे शब्द में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भूगोल शब्द का जो है हम वर्ण विच्छेद करेंगे। इसी से पता लगेगा हमें कि हमारे मूल शब्द का जो है पहला स्वर क्या है, प्रथम स्वर क्या है और अंतिम स्वर क्या है। देखिए, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो हमारा आ जाएगा ये, और ग हमारा ये है, तो यहाँ हमारा आ गया ओ, क्योंकि ओ पढ़ते हैं, सॉरी ओ स्वर है, और ये आ गया हमारा ल, और ये इसका आ गया अंतिम स्वर, और ये हमारा आ गया इक।
आप देख रहे कि यहाँ जो इस शब्द का मूल शब्द का अंतिम स्वर क्या है, बड़ा ऊ, ये है बड़ा ऊ। परिवर्तन काहे में होगा, औ में। तो इसका परिवर्तन काहे में कर देंगे हम, ओ में, औ हो जाएगा। बाकी को हम जो कहते हैं उतार लेंगे, ठीक है। हमारा ग भी जो कहते हो रहेगा और हमारा ओ भी जो कहते हो रहेगा और ल भी हमारा जो कहते हो रहेगा। हमने कहा था अंतिम स्वर में, अंतिम स्वर के स्थान पर प्रत्यय आ जाएगा, तो प्रत्यय को हम यहाँ जो कहते हो लिखेंगे, ये आ गया हमारा प्रत्यय। आप देख रहे हैं कि ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, देखिए अब यहाँ ये हो गया हमारा भो, और ये हो गया हमारा गो, और ये हो गया हमारा लिक, भौगोलिक। शब्द हमारा क्या बन गया, भौगोलिक। मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, अभी आपको ये ना दिखाई दे कैमरे के अंदर, भौगोलिक ये हमारा शब्द बनकर आ जाएगा। तो एक प्रत्यय जुड़ने से भूगोल में जो है हमारा शब्द जो है भौगोलिक बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एक प्रत्यय जुड़ने से हमारे शब्द में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। एक और शब्द ले लेते हैं, मिक वाला कोई छोटा शब्द ले लेते हैं जिसमें हमारा आ जाए रीरी वाला, रीरी वाला आ जाए, ठीक है। तो हमारा हो गया, ये हमारा शब्द है, इसमें जोड़ रहे हम एक प्रत्यय, ठीक है। और ये ह में जो है वो री की मात्रा है, यहाँ जो है में जो है, तो हमें ताकि दिखाई दे, और फिर गलती बन गया ह, फिर गलती बन गया, यहाँ री की मात्रा लगी हुई है। हर्द जमा, हृद जमा एक, हृद जमा एक में हम, हृद में हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो सब देखिए हमारा क्या बनेगा। तो पहले हम हृद का जो है वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, ये हमारा आ गया ह हलंत के साथ, इसमें आ गई हमारी री, ठीक, ये हमारी री आ जाती है इसमें, इसको री को मैं ठीक बना लेता हूं, ठीक। और ये हमारा आ गया दो, दो आ जाएगा, और इसके बाद में हमारा सॉरी है सॉरी, और इसमें हम जोड़ रहे हैं एक प्रत्यय, क्या जोड़ रहे हैं इसमें हम एक प्रत्यय। अब हमारा देख रहे हैं कि इसका जो प्रथम स्वर क्या है, इसका प्रथम स्वर क्या है, री, और री कहां में परिवर्तित होगा, आर में। तो यहां आर आ जाएगा इसके स्थान पे, यहां आ जाएगा हमारा आर, और रमज हलंत है, ठीक है। इसको हम जो कहता हूं उतार लेते हैं हलंत के साथ, ये हमारा जो कहता हूं उतरेगा, लेकिन इसके स्थान पर क्या जाएगा, एक प्रत्यय, ये कट करके इसके स्थान पर क्या जाएगा, एक प्रत्यय, ठीक है। क्योंकि हमें लिखा हुआ है मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा इस टेबल के अनुसार, ठीक है, तथा अंतिम स्वर के स्थान पर प्रत्यय आ जाएगा। ये हमारा अंतिम स्वर था, इसके स्थान पर क्या गया, एक प्रत्यय आ गया, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, इसको तो ये पूरा करेगा, ठीक है, और इसको ये पूरा करेगा, र हमारा जगह तो आधार आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा हा, ठीक है, ये र हमारा आ गया आधा, और द पर हमारे कौन सी मात्रा आएगी, छोटी की, और क हमारा हो गया पूरा, ठीक है। अब रो को हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रो जो है रेफ रूप वाला है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा हार्दिक। देखिए हृदय शब्द में, सॉरी हृदय शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से हार्दिक शब्द कैसे निकल कर आ जाता है। तो इसमें आप आराम से इन एक प्रत्यय वाले शब्दों का अभ्यास जो है अपने अभ्यास पुस्तिका में जो है आराम से कर सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। तो इन एक प्रत्यय की बात की हमने आपसे आज, अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे हम अ प्रत्यय की।
ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बटन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो के अपडेट आपको आसानी से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।